यूपी के कन्नौज जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टकराकर कई राउंड पलटी खा गई, जिससे कार सवार 9 लोगों में से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जबकि एक की हालत खराब होने पर उसे कानपुर रेफर किया गया। सामने जो एक्सप्रेस वे निकला हुआ है, यहाँ गाड़ी स्कॉर्पियो आई है जिसमें 10 लोग सवार थे और दूसरी साइड से आके क्रॉस करके लगभग 160 की स्पीड पर थे और क्रॉस करके यहाँ पर गाड़ी पलट गई है, जिसमें से एक महिला, एक बच्ची और दो बच्चे लड़के छोटे और एक पुरुष, कुल 5 आदमियों की यहाँ मौके में मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल फिरुआ में भेज दिया गया है मेडिकल कॉलेज में और बाकी कुछ लोगों को जिनकी मौत हुई है वो कन्नौज जिला अस्पताल भेजा गया है। बाकी यहाँ पर और भी जो गाड़ी वाहन मेरे पुलिस स्टाफ द्वारा यहाँ से लेके थाने ले जाया जा रहा है, उनके परिजनों को सूचना एक नंबर दी गई मिला था तो भेजा गया है, परिजनों से संपर्क हुआ है। रहने वाले सभी लोग ये मैनपुरी के रहने वाले हैं और एक नंबर जो हमको मिला था तो उनके द्वारा सूचना दी गई है और कुछ लोग वहाँ तिरुआ पहुँच रहे हैं, बाकी लोगों से और संपर्क किया जा रहा है मृतक के परिवारजन से।